तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं जाने वाला हूँ देवकुंड वाटरफॉल, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और ट्रैकिंग पॉइंट से इसको 7 किलोमीटर ट्रैक करके जाना पड़ता है, जो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और हम लोग ऐसे जाने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखना, काफी ज्यादा मजा आएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, मैं अभी आपको बता दूं, मैं हूं पाली विलेज में बस स्टॉप पे, और हम लोग खोपोली से आए हैं बस से पाली विलेज। तो खोपोली से डिस्टेंस इसका जो है 40 किलोमीटर है, और इसका जो चार्जेस है खोपोली से पाली के लिए वो 70 रुपीज़ है। तो अभी हम लोग पाली से हम लोग चलने वाले हैं भीरा विलेज, जो यहाँ से है 30 किलोमीटर। गाइस, ये है पाली बस स्थानक, यहाँ पे सारे बस खोपोली से आते हैं पाली विलेज में। फाइनली गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं भीरा विलेज, और भीरा विलेज से हम लोग जाने वाले हैं देवकुंड वाटरफॉल, जो हम लोग को यहाँ से ट्रैकिंग करके अब जाना रहेगा, जो है 7 किलोमीटर। और हम लोग ट्रैकिंग करके जाएंगे, कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। फटाफट हम लोग जितनी जल्दी चल पाएंगे उतनी जल्दी ये कवर हो पाएगा। और हम लोग का जो डिस्टेंस है पाली टू भीरा, ये है पूरा 30 किलोमीटर, और इसका जो टिकट चार्जेस है वो है 40 रुपये। तो अभी हम लोग देवकुंड वाटरफॉल के लिए ट्रैकिंग करते हैं फटाफट, और बाकी चीज़ें मैं आपको जो टाइमिंग है बस के जो चार्जेस है वो आपको मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सब देख लेना। गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे बस ला के हम लोग को छोड़ी थी, और अभी हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं, देखो भारत संचार निगम, और इधर से हम लोग आगे चलेंगे, कुछ 7 किलोमीटर है, और फटाफट ट्रैकिंग करेंगे क्योंकि हमको वापस भी जाना है। और जो लास्ट बस है वो लास्ट बस यहाँ से भीरा टू पाली 5 बजे। गाइस, पार्किंग एरिया आप देख सकते हो यहाँ पे देवकुंड ढाबा का, और यहाँ से निकलते हैं अंदर। चलो फटाफट चलते हैं वहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हम लोग को ट्रैकिंग करने भी टाइम जाएगा। और यहाँ पे कुछ बनाया जाता है शायद से, बैंड वैंड लिया जाता है पर पर्सन 100 रुपीज़, बट हम लोग को ये पता नहीं था, फिर भी देख रहे हैं जो भी है। सो गाइस, हम लोग फिलहाल के लिए अंदर साइड एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग का पहला वाटर क्रॉसिंग आ चुका है। तो यहाँ से हम लोग वाटर क्रॉस करेंगे, और हम लोग चलने वाले हैं अंदर साइड। देखो वाटर क्रॉसिंग है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स है, लहर है पानी का, इसलिए यहाँ पे रस्सी वगैरह बांध के रखते हैं। और ये है अंकल जी, यहाँ पे अंकल जी सपोर्टर हैं अपने, क्या बोलते हैं आपका 49, तीन लोग 49। हाँ आ जाओ, फटाफट निकलते हैं वाटर क्रॉसिंग करके, इसको पकड़ के गाइस चलना है, इसको पकड़ के गायब हो जाएंगे। वाटरफॉल 6 किलोमीटर दूर है, जाना जरूर है, और जाना जरूर है, और घूम के वापस आना भी जल्दी है। चलते चलेंगे पूरा वाटरफॉल पार कर देंगे। गाइस, हम लोग को एक ये नदी मिली, क्या ही खतरनाक है यार, गजब दिख रहा है। हम लोग को तो फॉग लगा, बट जब देख रहे हैं कि फ्लो हो रहा है तो पानी हम लोग को लगा, क्या नदी यार, बहुत काफी बड़ी है। हो सकता है सब यहीं पे जमा होता हो, वाटरफॉल के जितने भी पानी ऊपर से जो आते हैं, ये यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ये नदी जो भी है, इसको झील वगैरह जो भी है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, और काफ़ी बड़ा है ये। तो अभी हम लोग चलते हैं ये साइड से अंदर, और कुछ लोग और पीछे से आ रहे हैं, आइए उसको भी क्रॉस करके हम लोग को अंदर जाना है। ये देखो यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग, क्या फ्लो है यार यहाँ पे, फ्लो तो काफ़ी ज़्यादा है, और इसी चीज़ों का यहाँ पे पैसा लेते हैं मुझे पता चला।
ये यही सर सारी चीज़ों का पैसा यहाँ पे लेते हैं। ये जो गांव वाले हैं इन लोग खुद प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे रस्सी वगैरह कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर कोई हादसा हुआ तो ये वाटरफॉल फिर बंद कर दिया जाएगा। तो अच्छा है सारी चीज़ें। 100 रुपीज़ लेते हैं पर पर्सन, तो सही है। प्रोवाइड करते हैं ये जो रस्सी वगैरह जो होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आदमी लोग भी, यहाँ गांव वाले खड़े रहते हैं, आपको गाइड मतलब रास्ते दिखाते हैं इधर उधर से, तो उसी सारी चीज़ों का ये पैसा है। अभी हम लोग उधर से आए हैं और ये छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है जो हम लोग यहाँ से जस्ट एंटर किए हैं, और आपको ये हर जगह पे ऐसा बोर्ड मिल जाएगा जो आपको रास्ता दिखाएगा कि आप गाइस। यहाँ देखो कितना क्राउड है यहाँ पे। हाँ वो है तो गाइस वहाँ पे भी, चलो फटाफट चलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। चलो क्या ही वाटरफॉल है यार, आदमी जाएगा नीचे, आदमी नीचे जाएगा तो आदमी मर जाएगा। ओ भाऊ बहुत पानी है, बहुत पानी है रे, कोई जा ही नहीं सकता नीचे। अरे अकेले चलेगा भाई, देखो कोई है ही नहीं अंदर, इतना पानी है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो जो वाटरफॉल यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे 10 हाथी के बराबर यहाँ पे गड्ढा है गाइस, 10 हाथी के बराबर। और इसका देख सकते हो कितना ज़्यादा फोर्स है और कितना फ्लो है यहाँ पे, देख सकते हो कितना फ्लो है। अगर आदमी यहाँ पे आया तो बचेगा नहीं, सीधे चला जाएगा अंदर। ये देखो चालू है काम, थोड़ा ऊपर, अबे थोड़ा चाहता ऊपर लेके ले, उसको तोड़ देता हूँ, उसको तोड़ता हूँ, भापेगा भापेगा, चम्मच हाथ में रखनी गर्म हो जाएगा। ये देखो हमारा छोटा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कहीं भी वो। फाइनली हम लोग की मैगी तैयार हो चुकी है, देखो अब इसको टेस्ट करके देखते क्या मजा आएगा। अमेजिंग गाइस, क्या बोलते अरबाज भाई, मजा आ रहा है? हाँ
और टेस्टी है। तो जैसे कि आप लोग देखे मैगी और हम लोग चाय बनाए और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी मैगी और काफ़ी ज़्यादा चाय भी मस्त बना था। तो हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। तो गाइस अभी आपको एक चीज़ में बताऊँ कि हम लोग जब जा रहे थे वाटरफॉल के साइड, देवकुंड वाटरफॉल के साइड, तो हम लोग को कुछ डेढ़ घंटे लगे थे और रिटर्न में भी हम लोग एक से डेढ़ घंटे में इजीली हम लोग पहुँच जाएंगे। और इन वादियों में, इन जंगलों में इस तरह से एडवेंचर करना, मैगी बनाना, चाय बनाना, उसके बाद उसको टेस्ट करके खाना, बहुत ही अमेजिंग लगा हम लोग को, बहुत ही अलग लेवल का लगा हम लोग को, काफ़ी अच्छा लगा। जो बहुत सारे नेचर लवर को पता होगा कि ये सब जब हम खुद से करते हैं उसके बाद खाते पीते तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल के लिए नीचे, जो एक से डेढ़ घंटे लगेंगे और फटाफट हम लोग कोशिश करेंगे नीचे उतरने की, क्योंकि लास्ट बस वही 5 बजे और फिर उसके बाद हम लोग को अगर लेट हुआ तो ही जाएंगे करना।